फाइव फोर थ्री टू वन। अपने श्रेष्ठ कार्यों से समाज को दिशा देने वाले आप सब वरिष्ठ जनों के बीच आकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। आज इस समारोह में देश के भिन्न भिन्न हिस्सों से आए 90 वर्ष से ऊपर के अनेक वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, जो आयु से तो वृद्ध हैं लेकिन उत्साह से युवा हैं। इसी कारण मैं उन्हें युवा वृद्ध कहता हूँ, क्योंकि उनकी ऊर्जा और उल्लास के बारे में जानकर ऐसा लगता है कि उनमें अपनी अपने समाज की और देश सेवा की शक्ति व भावना प्रबल है। मेरे लिए यह बहुत सुखदाय अनुभव है समाज को अपनी निष्ठा और कर्मठता से समृद्ध करने वाले ऐसे आप सब वरिष्ठ जनों की मैं सराहना करता हूँ। हमारी परंपरा में शतायु और दीर्घायु होने के साथ साथ आत्मनिर्भर बने रहने की प्रार्थना की जाती है। आप सब में से अनेक लोगों की जीवन यात्रा इस प्रार्थना के अनुरूप लंबी आयु, आत्मनिर्भरता और सक्रियता का उदाहरण है। मुझे लगता है कि आपने सार्थक जीवन जिया है और घर परिवार व देश समाज की सेवा की है। आज ऐसे ही कुछ व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। यह सम्मान आप जैसे सभी वृद्ध जनों का सम्मान है और इसके लिए मैं आप सभी के स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन हेतु शुभकामनाएं देता हूँ। एक अनुमान के अनुसार 21वीं शताब्दी के अंत तक मनुष्य की औसत आयु 81 वर्ष हो जाएगी। यह भी अनुमान है कि 2050 तक विश्व में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों की संख्या 200 करोड़ हो जाएगी। हमारे यहाँ आयु बढ़ने के कारण लोगों को वृद्ध नहीं वयोश्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि वे अपनी वय के साथ साथ अपने ज्ञान, विवेक, अनुभव और दूरदर्शिता में भी श्रेष्ठ माने जाते हैं। इसलिए भारत में राष्ट्रीय स्तर पर वयोश्रेष्ठ सम्मान की शुरुआत की गई। ऐसी दूरदृष्टापूर्ण योजना को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री श्री थावरचंद गहलोत, उनके सहयोगी राज्य मंत्रियों और उनकी पूरी टीम को भी मैं बधाई देता हूँ। देवियों और सज्जनों, सभी वरिष्ठ जन हमारे सामाजिक व राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। मुझे बताया गया है कि केंद्र और राज्य सरकारें उनके जीवन को सुगम और सुचारू बनाने के अनेक उपाय कर रही है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा समेकित वरिष्ठ नागरिक कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। भारत सरकार की आयुष्मान भारत योजना से वृद्धजनों को भी चिकित्सा सुविधा प्राप्त हो रही है। विशेष जमा योजनाओं और रेल किराए में छूट के माध्यम से उन्हें आर्थिक सहायता दी जा रही है। राज्य सरकारें अपने स्तर पर उनके सम्मान के लिए वृद्धावस्था पेंशन जैसी कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। सरकारी और निजी क्षेत्र की संस्थाएं अपने स्तर से जो प्रयास कर रही हैं उनकी सराहना
करते हुए हमें वरिष्ठ जनों के लिए अपने स्तर पर कुछ जिम्मेदारियां लेनी होंगी। हम सबको मिलकर ऐसा वातावरण बनाए रखना होगा जिसमें हमारे वरिष्ठ जनों को विचार और चेतना की स्वतंत्रता हो। उनमें ऐसी भावना बनाए रखनी होगी कि समाज में, परिवार में उनकी उपयोगिता है, उनका योगदान है। इससे उनमें आत्मसंतोष का भाव रहेगा और उनका तन मन स्वस्थ रहेगा। देवियों और सज्जनों, आज के इस विशेष अवसर पर मुझे जीवन और ऊर्जा से भरे एक अमर सेनानी वीर कुंवर सिंह की वीर गाथा याद आती है। 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में शामिल हजारों स्वाधीनता सेनानियों ने उनका नाम आज भी बहुत सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है। बिहार के सपूत वीर कुंवर सिंह ने अंग्रेजों के खिलाफ निरंतर युद्ध किया। जिस बहादुरी, सैन्य कौशल और अदम्य साहस से उन्होंने अपनी सेना का नेतृत्व किया, उसे देखकर अंग्रेज सैनिक चकित रह जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि गोरिल्ला युद्ध के जरिए विशाल शत्रु सेनाओं को भारी नुकसान पहुंचाकर बार बार बच निकलने में वे छत्रपति शिवाजी की याद दिलाते थे। उनके आत्म बलिदान और वीरता से जुड़े लोकगीतों में हम रोमांचकारी विवरण मिलता है कि गंभीर रूप से घायल हो जाने के बाद भी वे बहादुरी के साथ निरंतर लड़ते रहे। अंत में अप्रैल 1858 में 81 वर्ष की आयु में वे वीर गति को प्राप्त हुए। अपनी वय को जय में बदलने वाले वीर कुंवर सिंह आज भी हमारे प्रेरणा सूत्र बने हुए हैं। देवियों और सज्जनों, संयुक्त परिवार के आदर्शों को बनाए रखने के लिए हमें उन आदर्शों के अनुरूप आचरण भी करना होगा। अगली पीढ़ी वैसी ही आचरण करेगी जैसा वह अपने माता पिता में देखेगी। यहाँ मुझे एक प्रसंग याद आता है। एक बार एक दंपत्ति ने अपने बच्चे से पूछा कि वह बड़ा होकर क्या बनना चाहेगा। बच्चे ने जवाब दिया कि वह आर्किटेक्ट बनेगा और लोगों के घरों के नक्शे बनाएगा। माता पिता ने बच्चे से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है, जरा अपने घर का नक्शा बनाकर दिखाओ। बच्चे ने नक्शा बनाकर दिखाया कि घर में किसका कमरा कहाँ पर होगा। घर के नक्शे में उसके अपने माता पिता के लिए कोई कमरा नहीं था। माता पिता ने पूछा कि इस घर में हम कहाँ रहेंगे। इस पर बच्चे ने कहा कि वह आप दोनों तो बाहर बने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ रहेंगे। माता पिता यह सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने पूछा कि हमें बाहर क्यों रखोगे। बच्चे ने जवाब दिया कि आपने भी तो अपने माता पिता को बाहर ही रहने की जगह दी है। इस पर उस दंपत्ति को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने अपने माता पिता से क्षमा मांगी और उन्हें घर के अंदर अपने साथ रहने के लिए ले आए। देवियों और सज्जनों, जीवन के एक महत्वपूर्ण दौर से गुजर रहे अपने वरिष्ठ जनों को मुझे यह ध्यान दिलाना है कि हमारी दूसरी और तीसरी पीढ़ी दुनिया में तेजी से हो रहे बदलाव से गुजर रही है। उनके सामने कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हैं,
उनकी कठिनाइयों के साथ हम सबको अपनी आशाओं एवं अपेक्षाओं का तालमेल बैठाना है। युवाओं को भी यह समझना चाहिए कि वयोश्रेष्ठ जन हमारी संपदा है, हमारी धरोहर है, और इसलिए अपनी युवा पीढ़ी से मैं यह कहना चाहूँगा, अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का ध्यान रखकर उन्हें उचित सम्मान देकर आप जीवन में बहुत ऊंचा उठ सकते हैं। बुजुर्गों का आशीष हमेशा ही मंगलकारी होता है। हमारे नीति ग्रंथों में कहा भी गया है कि हमें यह भी देखना होगा कि हमारी सभी पीढ़ियां एक दूसरे के जीवन में हिस्सा ले और संयुक्त परिवार की हमारी संस्कृति को सशक्त बनाए रखें। प्रकृति ने हर पीढ़ी के बीच एक अटूट रिश्ता बनाया है ताकि हमारे अनुभव, ज्ञान और कौशल अगली पीढ़ियों में सहजता से हस्तांतरित हो सकें। मैं एक बार फिर सभी पुरस्कार विजेताओं को बधाई देता हूँ और यह शुभकामना करता हूँ कि उनका आगे का जीवन भी खुशियों से भरपूर रहे। धन्यवाद। जय हिंद।